जेब में 1 रुपए नहीं, ए भैया 50 रुपए दिया बताओ, ये 50 रुपए हम लोग कहाँ पूछ रहे हैं। गाड़ी नहीं चल रही, हम लोग यहाँ गए। लुधियाने में थे, वहाँ भूखे मरे, वहाँ से कोने में भागते निकले, उसके बाद में यहाँ रास्ते में पुलिस वाले पकड़े, वहाँ भी कमीशन ले रहे हैं। विडंबना बहुत है औरैया के हादसे के बाद, अब सवाल भी कई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि कोई भी मजदूर श्रमिक पैदल कतई ना जाए। उसके बाद अब हरकत में प्रशासन भी है, पुलिस भी है, कोशिश है कि कोई पैदल ना जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्या वाकई सिर्फ कह देने भर से रुक जाएंगे, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं मजदूर हैं जो यहाँ से निकलना चाहते थे और वो यहाँ से गुजर रहे थे इस सड़क के रास्ते, लेकिन पुलिस ने इन्हें यहीं पर रोक दिया। ये अपने घर जाना चाहते थे। भैया कहाँ से आए हो? सर जी हम अमृतसर से आए हैं। अमृतसर से? हाँ जी। तो कब आए थे आप अमृतसर से उत्तर प्रदेश में? चले सर जी 8 दिन हो गए। 8 दिन? हाँ जी। 8 दिन से कहाँ रह रहे थे? बस ऐसे रुकते रुकते आ रहे हैं सर जी। अच्छा। हाँ जी। तो अब यहाँ पर रोक दिया गया? यहाँ पर भी रोक दिया गया, वहाँ सत्संग भवन बता रहे हैं वहाँ भी गए, वहाँ 5,000 बंदे उनको सब बगिया में बैठा के रखे हैं। आप जाएंगे कहाँ? सर जी गोंडा जाएंगे। गोंडा उत्तर प्रदेश? तो बस की व्यवस्था तो प्रशासन लगातार कर रहा है, आप फिर जल्दी क्यों कर रहे हैं? वहाँ सर जी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अंदर जाने से रोक दिया? रोक दिए। नहीं, अंदर तो खाना पीना चल रहा है ना, सब कुछ रोका जा रहा है, वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। हाँ खाना पीना दे रहे हैं सर जी, पर अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। 5,000 मजदूर सब बाहर पड़े हुए हैं। 5,000 अभी भी बाहर? हाँ जी। तो आप फिर आपने सोचा कि पैदल ही चल पड़े? हाँ जी। बसों का इंतजाम? नहीं हुआ सर जी, जो वहाँ के वो DCP वो बोले कि आप अपना जा सकते हो तो जाओ, वहाँ पे आपको बोल दिया जाना है तो जाओ। हमको भी सब मजदूर को बोल दिए, सब निकले, फिर इधर से पुलिस चहेट दिया, फिर वहीं भाग के गए। जिधर से रास्ता पाते हैं उधर से आते हैं। हाँ जी वाकई ये कह रहे हैं कि वहाँ से भेज दिया था। आप भी भैया गोंडा ही जाएंगे क्या? हाँ जी सर गोंडे जाना है मेरे। क्या कारण हुआ जब प्रशासन कह रहा है कि बस के जरिए आप जाइए, तो आखिरकार फिर रुक क्यों नहीं रहे, जा क्यों रहे? क्योंकि लगातार हादसे भी हम देख रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं, लगातार हादसे नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद आपको क्या डर नहीं लग रहा कि कैसे पैदल पहुंचेंगे? कहीं कोई ट्रक, कहीं कहीं ट्रेन? लेकिन मजबूरी सब कराता सर। वहाँ लुधियाने में थे, वहाँ भूखे मरे, वहाँ से कोने में भागते निकले, उसके बाद में यहाँ रास्ते में पुलिस वाले पकड़े, वहाँ भी कमीशन ले रहे हैं, उसके बाद में फिर यहाँ आए सत्संग भवन बताए, सत्संग भवन में भी आए यहाँ पे पूछे तो बोले कि अभी क्या बोलते चेक इन नहीं हो रहा, खाना खिलाए, उसके बाद में कह रहे 5 बजे चेक इन होगा। 5 बजे तो लोग सर हम बैठे रहेंगे तो हम आधा रास्ता पार कर देंगे। पुलिस वाले से बोले तो पुलिस वाले बोल रहे हैं जाओ तुम्हें, क्या बोलते जो पैदल जा सकता है वो चले जाए, आगे आए तो वहाँ से डंडा लेके मार रहे हैं। बताओ सर मैं क्या करें, घर अगर नहीं पहुँचेंगे माँ बाप परेशान हैं, सरकार को कोई हल निकालना चाहिए ना। बसें तो अब उत्तर प्रदेश के लिए तो खासकर बसें चल ही रही हैं, ये बात लगातार सामने आ रही है कि अलग अलग शहरों में बस जा रही है, तो आपकी बस अभी नहीं जा रही क्या गोंडा की? सर वहाँ कोई बता ही नहीं रहा किस किस जिले का है, बताएंगे तभी हम लोग को पता चलेगा। आप कितने दिन से वहाँ रुके हुए? मेरे को सर वहाँ हो गया 2 दिन, आज हो गया रुके हुए। हाँ तो 2 दिन में आपको ये जानकारी नहीं मिली कि आपको जाना था? नहीं सर नहीं मिली। सर अगर जाओ ना तो वहाँ पुलिस डंडा मारने लग जाती है, अगर उससे पूछो तो बताते नहीं सर। एक पुलिस वाले जो अधिकारी होते हैं उससे बात किया ना, वो बोलते हैं अगर जाने तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई सिरदर्दी नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे? तो हम बोले चलो भाई चलते हैं, लाखों आदमी वहाँ बैठे हुए हैं, सुनवाई तो कुछ हो कर ही नहीं रहे हैं, क्या करेंगे? वाकई ये सवाल बहुत बड़ा है कि जब पुलिस वहाँ कह रही है आपको जाना है तो जाइए। इन भाई साहब से बात, क्या नाम है भैया आपका? रंजू कुमार दुबे, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद? आप इलाहाबाद ही जाएंगे? मैं अमृतसर में 2 तारीख को ऑनलाइन किया था। अच्छा। इलाहाबाद अमृतसर से इलाहाबाद कोई ट्रेन ही नहीं है, पैदल आया। पैदल आए? पहले मैं लुधियाना था ट्रैक्टर से आया, फिर उसके बाद पैदल आए, और जब अमृतसर हरियाणा पहुंचूं तो पुलिस नाके से वापस कर दे रही है,
भाई अब देखो इधर हमारी नौकरी सवाल है, इधर से उधर से चले जाओ। तो हम लोग नाले 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 आया अमृतसर, जब जलंधर बॉर्डर आया यहाँ पुलिस, पुलिस आपको खुद ही रास्ता बता रही है कि इधर वाले रास्ते से ना जाओ, उधर से निकल जाओ। एक बार बताया, उसके बाद जब मैं जलंधर आया यहाँ वापस कर दिए। और हम लोग 11 बजे रात नाला टाँका, गंदा नाला को टाँका जंगल पर, इतने भयंकर जंगल 11 बजे रात वहाँ, अगर वहाँ हम लोग को काट लेता मैं तो हम लोग मर जाते हैं। पंजाब में बोल रहे हैं 15 दिन के लिए लॉकडाउन, फिर 15 दिन आता है, फिर कह रहे हैं 2 महीने के लिए लॉकडाउन। सर हम वहाँ रहेंगे क्या खाएंगे? तो खाने के लिए तो लगातार हो रहा होगा, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है क्या? कहाँ दे रहे हैं सर? कितने महीने हो गए लॉकडाउन में? 50 दिन। सर जी कितने महीने हो गया वो लॉकडाउन में, आप ही बताइए। पेट बोलते हैं 1 महीना तक, अब सर दुबे हम नहीं खिला पाएंगे। वहाँ को बोलते हैं कि सरकार बोलता है राशन दो, आधार कार्ड वहाँ के वो प्रधान लिखवा लेते हैं लेकिन राशन नहीं देते हैं। ये विडंबना है और इनका गुस्सा भी जायज है। इनको इनका कहना है कि जब हम लगातार इतने दिन से वहाँ पर हैं, अमृतसर से यहाँ पर किसी तरह, इनके तो पैर में फ्रैक्चर है, पैर टूटा हुआ है, उसके बावजूद वो लगातार चलते जा रहे हैं। लेकिन अब यही है कि जब बसों का इंतजाम नहीं है तो पैदल चलने दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि पहले मुजफ्फरनगर, उससे पहले औरंगाबाद और अब औरैया, औरंगाबाद से औरैया तक का सफ़र आ गए, मजदूरों की जान चली गई। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि ज़मीन पर जो बातें हो रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही है, खुद उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं कि लगातार प्रशासन जो है, कोई अगर ट्रक में बिठा कर ला रहा है तो ट्रक को सीज कर दो। लेकिन सवाल ये कि सिर्फ सीज करने से काम नहीं चलेगा, या तो बसों की व्यवस्था की जाए, जो प्रशासन कह रहा है लगातार की व्यवस्थाएँ हो रही है, लेकिन है जी ट्रक में 1 रुपये दे भैया, 50 रुपये दिए बताओ, 50 रुपये में करा पूरे। अरे गाड़ी नहीं चले जाएगा। ये मत, कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकलेगा, क्या करें? ये तस्वीर समझ में आ रही है, क्या सवाल पूछें, क्या बातें करें? नहीं नहीं, अरे आप ऐसे मत करिए, आप मत करिए, प्रशासन पर भेजने की कोशिश करेगा। ये गुस्सा लगातार दिखाई दे रहा है, झुंझुलाहट है, दर्द है, और वो दर्द सिर्फ इसलिए कि अब तक सिर्फ बातें हो रही है, जब असल में ले जाने की बात हुई गोंडा जाना है। गोंडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिहार या पश्चिम बंगाल में नहीं पड़ता, लेकिन गोंडा की बस का इंतजाम नहीं। अमृतसर से पहुंच गए, बाहर पड़े हुए हैं सत्संग भवन के बाहर, और जब पूछते हैं तो जाएंगे कहाँ, तो कोई आवाज़ ही नहीं। आखिरकार कैसे लॉकडाउन के बीच ये दर्दनाक तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। गवर्नमेंट ने बनाई है आपके लिए बसें लगाई है, ठीक है ना? पैदल में नहीं भेज जा सकते भैया, ठीक है ना? तो खाने की व्यवस्था खाना मिल रहा है, खड़े जो तुम्हें वह दिक्कत हो 100-100 रुपए मैंने भिजवा गया, ये जिम्मेदारी हमारी, तुम्हें सुरक्षित पहुँचाना मेरे भाई, ठीक है ना? ऐसा नहीं है भाई साहब, भाई जी ने मतलब भिजवा दी, पानी वानी पी लेंगे, दिक्कत ना मान लो किसी को, ये गाड़ी बुलाओ ये वाली। हां जी तो इन्हें मानना, यहां बहुत अच्छा आ रहा है, ये तो मुझे लेकर जा रहा है, पर मैं कहां चला जाऊं? अच्छा और आओगी अभी, पुलिस अपना काम कर रही है, उनकी कोशिश है कि वो आगे ना जाएं, वो वहाँ पर उनको रोक दे रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर इनको बिठा दिया। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 1 घंटे से आधे घंटे से यहाँ पर बैठे हैं, अब क्या होगा? क्या फिर आगे अपना रास्ता निकल पड़ेंगे, या फिर वाकई कहीं बसों का कोई इंतज़ाम होगा? क्योंकि पुलिस तो वहाँ पर है, वो लगातार रोक रही है, समझा रही है, लेकिन अभी भी इनके पीछे दर्द और इनकी आँखों में दर्द का सैलाब। लगातार इसी तरीके से हम बातचीत करते रहेंगे, मुद्दों को उठाते रहेंगे। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, सहारनपुर, हेडलाइंस इंडिया।